लॉकडाउन के चलते अब टंगमार के जंगलों में स्मगलिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज भारी मात्रा में टिम्बर और हरा सोना कुछ स्मगलर्स से पकड़ा गया है। ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। रेंज ऑफिसर टंगमार के मुताबिक अब तक ये सब करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है, परंतु इन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंपार्टमेंट 28 गुल कलंत्रा ब्लॉक में, लेकिन वो लकड़ी इस वक्त हम कार डाउन कर रहे हैं। एक तो मौसम ख़राब था, दूसरी बहुत सारी परेशानियां हैं। इस वक्त लेबर अरेंज करना भी बहुत मुश्किल काम है। आज हमने वहां लेबर डिप्लॉयमेंट की है बहुत ही मुश्किल तरीके से। अब वो हम कार डाउन कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह शाम तक यहाँ पहुँच जाएगी। कितने लड़की ये लकड़ी हमें 33.21 सेफ्टी है, वहाँ 52 सेफ्टी। तो कोई गिरफ्तारी उसमें अमल नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी। ये चूंकि रात के दौरान हुआ था, लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया हालातों का, रात के दौरान गए थे और वहाँ मौसम भी ज़बरदस्त ख़राब था। तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई तो हम वहाँ पर गए, पूरे के पूरा अमला फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स टंगमर्ग समेत, तो हमने ये कार्रवाई लाई और वहाँ से लोगों से भी मदद लिया। इसको बाहर ये गहरे नाले में छुपाई गई थी रात के दौरान, तो हमने वहाँ से बाहर निकाली तो यहाँ पर डंप कर दी। तो अब क्या किस तरह की कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? हम इसके तलाश में हैं कि पता बरारी हम लगा रहे हैं कि जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसके खिलाफ हम FIR लॉज करेंगे।